वंदितु सर्व सिद्धे धुवममल मणोवमं गदिं पते वोक्ष्यामि समय पाहुर मिनमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में ये अजीवाधिकार चल रहा है, इसकी 5 गाथाएं पूरी हो गई। आज कौन सी गाथा करेंगे? गाथा नंबर 49 और 50। एक बात और बताना चाहूँगा, वर्तमान में ध्यान से सुने जरा, वर्तमान में 2 तरह के समय सार हिंदुस्तान में हैं। एक समय सार वो है जो आचार्य जयसेन महाराज के अनुसार हैं। उन आचार्य जयसेन महाराज के अनुसार कुछ गाथाएं ज़्यादा हैं, आचार्य अमृतचंद स्वामी के में कुछ गाथाएं कम हैं। मैं जो पढ़ाता हूँ ये आचार्य जयसेन महाराज के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, जिसमें गाथाएं ज़्यादा हैं। जिन जिन महानुभाव ने हमारे यहाँ से समय सार जी मंगाए, हमने उनको भिजवाई, उनकी टीका आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो दीक्षा गुरु हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, उन्होंने की है। आज हम कौन कौन सी गाथा पढ़ेंगे? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज या आचार्य जयसेन महाराज की टीका वाले समय सार में आज 49 और 50 2 गाथाएं पढ़नी हैं। और जो दूसरा है, जो दूसरा अमृतचंद स्वामी वाला है, उसके अनुसार 44 और 45 ये 2 गाथाएं हम पढ़ेंगे। जिनके पास वो वाला है वो 44-45 निकालें, जिनके पास आचार्य जयसेन महाराज वाला हमने भिजवाया वो है, वो गाथा नंबर 49 और पृष्ठ नंबर 48 निकाल लें। आइए शुरू करते हैं। ए देसवे भावा, ए देसवे भावा, उगल दव परिणामणी पन्ना, उगल दव परिणामणी पन्ना, उगल दव परिणामणी पन्ना, उगल दव परिणामणी केवली जिणे ही भणिया, केवली जिणे ही भणिया, कहते जीवो तिबुचंती, कहते जीवो तिबुचंती। बोलिए, ए रे सवे भावा, उगल दव परिणामणि पन्ना, केवल जिणे ही भणिया, कहते जीवो तिबुचंति। ए देसवे भावा, उगल दव परिणामणि पन्ना, केवल जिणे ही भणिया, कहते जीवो तिबुचंति। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते। एदे सव्वे भावा, ये सभी भाव। पुगल दव परिणाम, पुद्गल द्रव्य कर्म के परिणाम से निपन्ना उत्पन्न हुए हैं। केवल जिने ही, केवली जो जिनेन्द्र भगवान हैं, उन्होंने भणिया ऐसा कहा है। कहते किस प्रकार उनको जीवोत्तिबुच्चंती, जीव ऐसे कहा जा सकता है। फिर देखें एक बार गाथा नंबर 49। एदे सव्वे भावा, कौन से सब भाव जो पहली 5 गाथाओं में कहे? पहली 5 गाथाओं में कौन से कहे? कोई कर्म को जीव मानते हैं, कोई राग द्वेष को जीव मानते हैं, कोई कर्म के उदय में तीव्र मंद अनुभाग को जीव मानते हैं, कोई जीव और कर्म मिलने से जीव मानते हैं,
कोई जीव और कर्म के संयोग से जीव की उत्पत्ति मानते हैं, कोई राग द्वेष आदि परिणाम को जीव मानते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं राग द्वेष आदि परिणाम, इन सब जो पहले गाथाओं में बात बताई, ये जो है ना, ये पुद्गल द्रव्य के परिणमन से होने वाली पर्याय हैं। किसी ने शरीर को ही जीव मान रखा है, तो ये जो मान रखा है ना, ये तो कहा इन्होंने, ये सभी भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। कहते जीवोत्पुच्छन्ति केवल जिने भणिया, केवली भगवान ने कहा है कि ये जीव है, ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? पुद्गल के परिणमन से उत्पन्न जीव नहीं हो सकता। जीव अलग द्रव्य है, पुद्गल अलग द्रव्य है, पुद्गल से जीव नहीं बनता। जीव तो स्वतंत्र द्रव्य है, इसलिए ये सारे परिणाम ये तो पुद्गल द्रव्य के परिणमन से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनको जीव नहीं कहा जा सकता, ये तो पुद्गल ही है। केवली भगवान ने बतलाया है कि उपर्युक्त सब अवस्थाएं जो पहली गाथाओं में बताई गई, ये पौद्गलिक द्रव्य कर्म के संबंध से होने वाली हैं, इसलिए ये सब जीव नहीं कही जा सकती। जीव अलग है, ये सब परिणमन अलग है, ये जीव के स्वभाव नहीं। पंडित जी, राग द्वेष परिणाम तो जीव हैं, फिर उनको जीव क्यों नहीं माने? राग द्वेष परिणाम जीव में कैसे उत्पन्न हुए, क्या ये जीव के स्वभाव हैं? इन बातों पर विचार करें। आत्मा में राग द्वेष परिणाम पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, गाथा में आचार्य ने यही लिखा है। ये सभी भाव जो पहली गाथाओं में कहे गए, अध्यवसान आदि परिणाम, ये सब कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं, ये जीव के स्वभाव नहीं। जब जीव के स्वभाव नहीं तो जीव के कैसे कहे जा सकते हैं? आत्मा में मान लो मोहिनी कर्म का, राग का उदय आया, तब तो आत्मा में राग की उत्पत्ति होगी, और जब राग की उत्पत्ति है तो ये राग की उत्पत्ति जीव में है। राग रूप परिणाम भी जीव है, लेकिन हाँ, ये कर्म के कारण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए पुद्गल के कारण उत्पन्न होने से ये परिणाम पौद्गलिक हैं, जीव नहीं, ऐसा माना जाता है। पंडित जी, अगर ये जीव के भाव हैं तो स्वभाव क्यों नहीं? भैया ये भी तो सोचो, अगर जीव के स्वभाव हैं फिर सिद्धों में क्यों नहीं? क्या सिद्धों में राग द्वेष होते हैं? क्या सिद्धों के पास शरीर है? नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ आत्मा का स्वभाव प्रकट हो गया है। अगर ये स्वभाव होते तो सिद्धों में भी होने चाहिए थे। दूसरी बात ये सोचें, ये प्रतिसमय क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि ये कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये परिणाम अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय होते हैं। इसलिए कर्म के उदय से होने के कारण आचार्य ने यही तो गाथा में लिखा है, ये कर्म के उदय से उत्पन्न है, इसलिए ये जीव नहीं कहे जा सकते। पंडित जी, इसको उदाहरण से समझा दीजिए। अनादिकाल से हमारा आत्मा कैसा है? जैसा स्वर्ण पाषाण होता है ना, खान के अंदर सोने का पत्थर, उसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, सोना भी और पत्थर भी। जब उसको अलग अलग किया जाता है, सोना अलग हो जाता है, पत्थर अलग हो जाता है। उसी तरह जो अशुद्ध आत्मा है, उसमें कर्म के उदय के कारण राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं। ये परिणाम कर्म के उदय के कारण हुए, इसलिए ये परिणाम जीव नहीं है। जब कर्म अलग हो जाता है और जीव अलग हो जाता है, तो जीव का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। हमारी आत्मा में जो राग द्वेष होते हैं, यद्यपि हमारी आत्मा में हुए, पर कर्म के उदय के कारण हुए, इसलिए वे हमारे स्वभाव नहीं, विभाव हैं। हमें क्या करना है?
हमें उनको छोड़ना है, दूर हटाना है, ये आचार्य कहते हैं। और आप जो ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं समय साथ, इसमें शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझाया है। हमें क्या करना है, आत्मा की शुद्धता कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, हम परम शुद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त हों, ये इस समय सार को पढ़ के हमको ज्ञात करना है। इसलिए जैसे स्वर्ण पाषाण में पत्थर अलग है और सोना अलग है, उसी प्रकार हमारी अशुद्ध आत्मा में कर्म के कारण होने वाले परिणाम भिन्न हैं और आत्मा का स्वभाव अलग है, ऐसी धारणा बनानी चाहिए। राग द्वेष आदि को जीव का परिणाम क्यों कहा गया, ये जीव है ऐसा क्यों कहा गया शास्त्रों में, तो आचार्य गाथा नंबर 51 में इस बात को समझाते हैं। आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखते हैं, आइए। ये पूर्व के कथित भाव विभाव सारे है मूर्त से उदित है जड़ के पिटारे, आश्चर्य जीव फिर रे बन जाए कैसे, है केवली वचन ये गज मोती जैसे। ये आठ प्रकार के कर्म पुद्गलमय हैं, ऐसा कैसे, तो आचार्य गाथा नंबर 50 में लिखते, आइए। अठवियं पिय कम्मम सौवं पुगलमयं जिणा विन्ति जस्य फलं तं बुच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्। बोलिए। अठवियं पियकम्मं सर्वं पुगलमयं ज्ञाविन्ति जस्य फलं तं बुच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्। अठवियं पियकम्मं सर्वं पुगलमयं ज्ञाविन्ति यस्य फलं तं बुच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्। अठवियं आठ प्रकार के, कम्मं ये कर्म, सर्वं माने समस्त, पुगलमयं पुद्गलमय है, जिणा विनती ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। जस्य फलम जिस कर्म का फल, तम माने जो प्रसिद्ध है, बुच्यदि माने कहा है, दुखम दुख है, विपच्यमानस पककर उदय में आने वाले, पककर उदय में जब कर्म आते हैं तब उनका फल कैसा होता है, दुख रूप होता है। एक बार फिर देखें, अठ बियम पिय कम्मम, आठ प्रकार के ये सभी कर्म, सवम पुगलमयम, सब पुद्गलमय हैं, सब पुद्गल के द्वारा निर्मित हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। इन कर्मों का फल कैसा है, जस कब्जस फलम तम बुच्यदि, जिस कर्म का फल बुच्यदि कहा गया है, दुखम दुख, कब, विपच्यमानस पक कर उदय में आने पर। हमने कर्म बांध लिया, अब जब ये कर्म उदय में आएगा तब दुख ही देगा। अगर ये आत्मा का स्वभाव होता तो दुख नहीं देता, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये कर्म पुद्गल से निर्मित है, इसलिए ये दुख के कारण होते हैं। क्यों, ये विभाव है, ये वैभाविक परिणामों को उत्पन्न करने में कारण है, ये तो पुद्गल मई है। इसलिए ये आठों प्रकार के जो कर्म हैं ये पुद्गल में हैं, और जब पक्कर उदय में आते हैं
तो मात्र इनका फल दुख रूप ही होता है। भावार्थ देखें, ये आठ प्रकार के कर्म पुद्गलमयी हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, क्योंकि उदय में आए हुए सभी कर्मों का फल दुख स्वरूप होता है। पंडित जी, कर्म के उदय से जीव को सुख भी तो मिलता है। सांसारिक सामग्री अपने अनुकूल मिल जाती है तो सुख प्रतिभाषित तो होता है, वो सुख नहीं है, है तो दुखी, क्योंकि सुख तो निराकुलता का नाम है। जब तक कर्मों का उदय है तब तक निराकुलता का नाम नहीं होता, आकुलता ही आकुलता रहती है। कुछ मिल जाती है तो अगले के प्राप्त होने की वांछा हमेशा लगी रहती है। संसार में कोई सुखी नहीं होता, इसीलिए तो कहा है, जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। अगर संसार में ही सुख होता तो भगवान उसको त्यागते क्यों, दीक्षा क्यों लेते। इसलिए कोई कर्म आत्मा को सुख देने वाला नहीं, इसीलिए अष्ट कर्मों से रहित होने पर ही सुख मिलता है। ये अष्ट कर्म क्या है, ये जीव को विभाव में दुख में डालने वाले हैं। इनके कारण राग द्वेष आदि तमाम दुख इन्हीं के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये जीव के स्वभाव नहीं, ये तो विभाव है। पंडित जी, ये कर्म है क्या? 23 प्रकार की वर्गणाओं में एक होती है कार्मण वर्गणा। वो कार्मण वर्गणा जीव के परिणामों के अनुसार परिणमन करती है, तो उसके परिणामों के अनुसार परिणमन करने को आश्रव कहते हैं और जीव के साथ एक मेघ बन जाने को बंद कहते हैं। तो ये कर्म क्या है, ये कर्म तो पुद्गल की कार्मण वर्गणा के कर्म रूप इनका स्वरूप है। ये कार्मण वर्गणाएं जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म रूप बनी है और आत्मा से चुपकी है, पर वास्तव में ये आत्मा नहीं, अनंत काल से कर्म आत्मा से चुपके हुए हैं, अनंत काल से, लेकिन आज तक एक भी कर्म जीव नहीं बना, जीव कर्म नहीं बना, बना भी नहीं, बन सकेगा भी नहीं, बना था भी नहीं। क्यों, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। ये कैसे हैं, ये सब तो पुद्गल में है, जीव के साथ चाहे जुड़ जाए लेकिन फिर भी ये भिन्न है और आत्मा भिन्न है। पंडित जी, क्या सुख भी कई प्रकार के होते हैं? सुख दो प्रकार के, एक सांसारिक सुख, एक पारमार्थिक सुख। हम ये भी कह सकते हैं एक इंद्रिय सुख, एक अतीन्द्रिय सुख। वास्तव में जो सांसारिक सुख है, इंद्रिय सुख है, वो सुख नहीं, वो तो दुखी ही है। चंद मिनट में हमको ऐसा लगता है सुख हुआ, पर सुख नहीं, कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ है। पर जब आत्मा के साथ कर्म कालिमा हट जाती है, आत्मा परम शुद्ध हो जाता है, ऊपर सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है, तब जो निराकुलता प्राप्त होती है वो वास्तव में अतीन्द्रिय पारमार्थिक सुख है। हम लोगों को अभी तक सांसारिक सुख की पता है, पर जब इन सब झगड़ों से हटके जब अपने में आते हैं ना, या कोई मुनि महाराज जब आत्मा में लीन होते हैं, जब शुद्ध उपयोग में आते हैं, तब उन्हें ज्ञात होता है सुख क्या होता है। इन सांसारिक व्यवस्थाओं से जितना हम दूर होते हैं उतना हमें सुख मिलता है। आप सोचो, कभी आपको घर छोड़ के तीर्थ यात्रा पे जाना पड़े, कभी आप घूमने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाएं, तो आपको कितना सुख मिलता है। सुख क्यों मिला, वहाँ जाने पर नौकरी की, व्यापार की, स्कूल की आकुलता थोड़ी कम हो गई, तो जितनी आकुलता कम होती है उतना सुख भाषित तो होता है, पर वो भी सुख सुख नहीं। सुख कब है, आठ प्रकार के कर्म हट जाएं, जब बिल्कुल, तब आत्मा को परम सुख प्राप्त होता है और वह सुख सिद्धों को प्राप्त है। लिखा है उन्होंने, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहि न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए।
जितना कर्म बंधन हल्का होगा उतना आत्मा को सुख मिलता जाएगा। कोशिश क्या करनी है, किसी तरह से ये हमारी आत्मा कर्म बंधन से रहित तो हो जाए। उसके लिए क्या करना है, आश्रव बंध के कारणों से हटना है, संवर निर्जरा के कारणों में लगना है। जितना हम संसार को छोड़ेंगे उतना सुख की ओर बढ़ते जाएंगे। आइए गाथा नंबर 50 का पद्यानुवाद। सर्वज्ञ ये कह रहे जिन चेत स्वरूपी है कर्म वश्य वेद पुद्गल रूप रूपी आता यदा उदय में बस कर्म बेरी ये दुख मात्र फल ही भव बीच फेरी। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1 वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जितेंद्र ढहाले जैन, श्री जितेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जितेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर महाराष्ट्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, जेपी जैन, अहूरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। श्रीमती सुगंधा कमाते वाइफ ऑफ बाबरू वाहन कमाते पुणे, विकास एवं विद्या कमाते USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर 344/4 गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी कालका जी, नई दिल्ली 19। हितेश हंसमुख लाल शाह, माता रमिला बेन परिख, वडोदरा, गुजरात।